कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? खैर फरीद से दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर फरीद होंगे। दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद नज़र है और मैं पीसलेस कंपनी का एक मेंबर यानी कि एक इन्वेस्टर हूँ। दोस्तों कल जो है ना, मैंने अपनी वीडियो पैगाम आपको नहीं दिया। किस वजह से नहीं दिया कि मेरे पास कुछ जरूरियात थी, टाइम नहीं था, तो मैं आपको टाइम नहीं दे सका। दोस्तों मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कल भी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, सर इसलिए मैंने नहीं की। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको सब बातें बताऊंगा। पहली बात तो ये, कल का जो है एक मैसेज मुझे आया वीडियो वाइज पे, मैंने वो चेक की, उसमें कुछ जो हमारे कमेटी के मेम्बरान हैं वो गलत ले रहे हैं, यानी कि कलमा सारे पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, सर मिला जाता बल्ला पढ़ के कह रहे हैं कि यार हम जो ना जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ये इस तरह कर रहे हैं। यानी कि मुझे थोड़ी पश्तो समझ नहीं आती, लेकिन उन्होंने समझ इतना आया कि जो है ना, उन्होंने ये कहा है कि ये चीज़ इस तरह है और इस तरह है इस तरह। मैंने कहा ठीक है, तो इंसान को जो है ना अखबार आ जाते हैं उन लोगों ने जब कलमा जो पढ़ लिया। तो दूसरी बात, उन लोगों ने ये बात क्यों की सिर्फ और सिर्फ हम यूज़र्स को अपने अखबार में लेने के लिए। बड़ी हैरानी की बात है, मैंने भी सोचा है कि यार ये इतना छोटा सा सिस्टम से सेटअप था, इतना छोटा निज़ाम था, जो है ना कोई भी जो है ना किसी को पता ही नहीं कौन क्या है कौन क्या है कौन क्या है। अब दूसरे जो उनका वीडियो पैगाम है वो क्या है, वो ये है कि उसने तमाम यूज़र को एक पैगाम दिया है कि यार आप लोग इकट्ठे हो जाएँ, सीनियर मैनेजर एज डायरेक्टर सबको उसने कहा है कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं, इंशाल्लाह मीटिंग करें, हम आपको हमें जगह बताएं आपको बताने के लिए, हम आके आपके पास जो है ना मीटिंग करेंगे या हम आपको जो है ना जगह बताते हैं, आप हमारे पास आ जाएं, हम मीटिंग करते हैं। दोस्तों इसमें एक सोचने की बात यह है कि क्या इतना छोटा सेटअप था, किसी को पता ही नहीं है कौन कहाँ है और कौन कहाँ है और कौन कहाँ है। हर जगह में हर एरिए में ग्रुप्स बने हुए हैं, कंपनी का जो डायरेक्टर होता है ना उसको पता होता है कि कहाँ से बंदा हमारी कंपनी में ज्वाइन है और कौन सा ग्रुप कौन सी जगह में यूज़ हो रहा है। ये तो वसीम जैब साहब को पता होगा, लाजिम सी बात है, उसको पता होगा क्योंकि वो पूरे सेटअप का इंचार्ज था, उसको तो पता होगा, लाजिम बात है। अब उनका क्या काम था, उनका काम था कमेटी मेम्बरान्स को उस मुख्तलिफ जितने भी ग्रुप्स हैं ना, जितने भी ग्रुप्स बने हुए मुख्तलिफ किस्म के, कोई व्हाट्सएप पर बना हुआ है, कोई टेलीग्राम पर बना हुआ है, कोई फेसबुक पर बना हुआ है, तो उस ग्रुप के जो लिंक्स होते हैं ना कमेटी के मेम्बरान्स को दे देते, जितने भी पाकिस्तान में लोग इस कंपनी में ज्वाइन हैं, कोई दुबई से, कोई सऊदी अरेबिया से, कोई यानी कि डिफरेंट ममालिक से लोग इस कंपनी में ज्वाइन हैं, किस थ्रू एक ग्रुप के थ्रू, उस ग्रुप के लिंक्स आप कमेटी के मेम्बरान्स को दे देते, ठीक है। वो लिंक्स कमेटी के मेम्बरान जो है ना ज्वाइन करते हैं हर ग्रुप्स को, ज़्यादा ज़्यादा कर लो 15-20 ग्रुप बन जाएंगे हर ग्रुप में। मेरे अंदाजे से मैं जिस ग्रुप में ऐड हूँ तो तकरीबन 800-900 बंदा उस ग्रुप में भी है, ठीक है। एक तो ये हो गया व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें पता नहीं मुझे कितने बंदे हैं, लेकिन उसमें भी हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के ग्रुप का मुझे नहीं पता कितने बंदे हैं। तो उनको वसीम जैब साहब को चाहिए था कि दे देते लिंक कमेटी के मेम्बरान को, वो लिंक से ऑटोमेटिकली जब अपना बयान देते तो पूरे वर्ल्ड में जो पीसलेस कंपनी के यूज़र थे ना उन तक कमेटी मेम्बरान का पैगाम पहुंच जाता। दोस्तों इस तरह उन्होंने नहीं किया, शायद किया या नहीं किया, लेकिन उनका जो वीडियो पैगाम आया है उसमें यही उन्होंने कहा गया है कि यार आप लोग हमें बुलाओ या हम आप लोगों को बुलाते हैं, एक जगह से मुख्तसर करो और सब आपस में मीटिंग्स करो। और एक और मज़े के बाद में आपको बताऊँगा, कल सुबह से अफवाह चल रही है कि सीनियर से रब्ता किया जाएगा डेटा कलेक्शन के लिए, सीनियर से रब्ता किया जाएगा डेटा कलेक्शन के लिए। अब मुझे बताएं कि वसीम जैब साहब ये नहीं कह रहे थे कि यार हमारे पास जो है ना बैकअप में पूरा डेटा मौजूद है, किसी का बाप भी पीसलेस कंपनी का जो है ना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बातें सब आपको बताएं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, वसीम जैब के अल्फाज हैं कि जो है ना इस पीसलेस कंपनी का जितना भी डेटा है ना हमारे पास बैकअप में पड़ा हुआ है, तो ये तो कोई भी नहीं कर सकता, यानी कि हैक नहीं कर सकता इस तरह। तो मुझे बताएं आप फिर सीनियर से जो है ना रब्ता करेंगे डेटा लेने के लिए, तो क्या वसीम जैब ने वो डेटा डिलीट कर दिया है या क्या सीन हुआ। अब एक और मज़े की बात, इसमें राबिया बतूल का जो है ना नाम वो कहाँ गया सारे सिस्टम में,
क्या ये सिस्टम ऑन होने के बाद 4 से 6% हमारी जो इनकम होगी वो सब होने के बाद राबिया बतूल दोबारा इस कंपनी की ओनर बन जाएगी? दोस्तों, मैं आपको जो सवाल बता रहा हूँ ना, जो जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ये शायद आपके जहन में ना हो, वला आलम होंगी, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कि ये जहन में सवाल रखने हैं, ये कमेटी के मेम्बरान्स को बताने हैं, ये सवाल लाजमी है। ये क्या राबिया बतूल इस सिस्टम के ऑन होने के बाद वो आ जाएगी और हम उसे माफ़ कर देंगे? माफ़ क्यों करेंगे? उसका एक तरीका है, अब भाग गई है तो उसे जब वापस आएगी सज़ा तो मिलनी है। सज़ा तो इस वजह से मिलनी है क्योंकि उसने हमारा पैसा खा लिया है। किस थ्रू? अभी तो सारा खाया हुआ है। फिलहाल ये लोग कह रहे हैं कि आन हो जाएगी, आन हो जाएगी, पता नहीं आन होगी भी या नहीं होगी, इस बारे में फिलहाल कोई कंफर्म नहीं है। जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, मैसेजेस, वो इंशाल्लाह पॉजिटिव हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बहुत जल्द ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, राबी बतूल ने बाद में आने से जो है ना हमारा क्या लॉस होगा, ये आप लोगों के जहन में अच्छी तरह होना चाहिए। हमारा राबिया बतूल के बाद में आने से क्या नुकसान है, ये आपके लोगों के जहन में अच्छी तरह होना चाहिए। क्या नुकसान है? हमारा सेविंग बैलेंस जो ये लोग जीरो कर रहे हैं, ठीक हो गया, हमारे मेन बैलेंस में जो पॉइंट्स पड़े हैं वो ये जीरो कर रहे हैं, हमारे रेफरल जो होते हैं वो ये जीरो कर रहे हैं, बाकी और जो भी चीज़ें हमारी सैलरीज वगैरह हैं और चीज़ें बिल्कुल इस टाइम जो है ना ये जीरो लेवल पे ला के कर रहे हैं। राबिया बतूल के भाग जाने से, अपनी अपनी जगह पे ही है, राबी बतूल के भाग जाने से हमारा जो ये बेनिफिट था ना ये लोग वापस ले रहे हैं। बेनिफिट क्या था? सैलरी थी और हमारे रेफरल से, बस हमारे पास एक पोजीशन थी होता था, ठीक है, बाकी जो हमारे मेन बैलेंस में था, जो हमारे जो है ना अर्निंग बैलेंस में था, वो सब ये जीरो कर रहे हैं। क्या राबिया बतूल वापस आके इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी, ओनर बन जाएगी, वो ये सारी चीज़ें हमें वापस देगी? ये सवाल लाजिम करना है कमेटी के मेम्बरान्स को। और अगर शायद ये मेरी वीडियो, मेरा वीडियो पैगाम अगर कमेटी के मेम्बरान देख रहे हैं, तो उनसे ही मेरा सवाल है जो मैंने अभी दोहराया है, क्या राबिया बतूल वापस आके हमें हमारा ये नुकसान देगी? ये बात अभी किसी को नहीं पता कि राबिया बतूल कहाँ पे किधर है, उसे FIA वालों ने अरेस्ट किया है या उस पर किसी ने हमला किया है या कहाँ पे, या मुल्क छोड़ के भाग गई है, ये तो किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये चंद बातें करनी है, अगर कमेटी को कोई मेंबर से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को ज़रा जहन में रखें और बाकी लोगों से भी शेयर करें कि इस भाई का ये पैगाम है। मेरा नाम मोहम्मद मज़र है और इंशाल्लाह मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा, आप चेक कीजिएगा। और दोस्तों, चंद बातें जो है ना और भी हैं जो जो है ना मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन टाइम बाय टाइम, वो कहते हैं ना, हर बात का, हर चीज़ का एक टाइम और एक मौका होता है, तो टाइम बाय टाइम इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़, हर बात से गाइड करूँगा, बताऊँगा ये बात यहाँ पे करनी है, ये बात यहाँ पे करनी है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें मज़ीद मालूमात के लिए, इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजम प्रेस करिएगा, उससे ये होगा कि मेरी अगला जो पैगाम होगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, आपको किसी ग्रुप में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप डायरेक्ट मेरा पैगाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।